बच्चों, किसी विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का विभाजन किया जा सकता है। आइए इसे करके देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ दो बीकर लिया हुआ है। इसे बीकर क और इसे ख मान लेते हैं। बीकर में हमने 100 ml पानी लिया हुआ है। इन दोनों बीकर में हमें नमक की अलग अलग मात्रा मिलानी है। चलिए हम इसमें आधा चम्मच नमक और बीकर ख में हम 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। आइए अब हम इसे घोलते हैं और विलयन प्राप्त कर लेते हैं। बीकर क में भी हम इसी तरह नमक को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ नमक के 2 विलयन प्राप्त हुए हैं। इस विलयन में विलेय की मात्रा कम है, अतः इसे हम तनु विलयन कहते हैं। और इस विलयन में नमक की मात्रा अर्थात विलेय की मात्रा अधिक है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं।